नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों, आजकल के दौर में ज़्यादातर महिलाएं वर्किंग होती हैं, कुछ महिलाएं जॉब कर रही हैं तो कुछ महिलाएं बिजनेस में हैं। ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर महिलाएं 35 की उम्र के बाद ही माँ बनना चाहती हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप किसी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके क्लिनिक पर आपको ऐसी उम्र की ज़्यादातर महिलाओं की भीड़ लगी हुई दिख जाएगी। एक सर्वे के अनुसार पिछले 5 से 6 सालों में 35 की उम्र के बाद माँ बनने वाली महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, गायनिकोलॉजिस्ट के अनुसार कुछ एक ऐसी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद 35 की उम्र के बाद भी आसानी से महिलाएं माँ बन सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं उन्हीं टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए इसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 है दोस्तों, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी कि 72 घंटे वाली गोली। दोस्तों, एमरजेंसी पिल को कभी भी रेगुलर इस्तेमाल ना करें। ज़्यादातर महिलाएं महीने में 4 से 5 बार इसका इस्तेमाल करती हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को एमरजेंसी के लिए बनाया गया है और आप समझ सकते हैं कि एमरजेंसी कभी कभार होती है, बार बार नहीं। टिप नंबर 2 है, लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखें। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि इस उम्र में आते आते महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा मोटापा आ जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा उम्र में आप माँ बनना चाहती हैं तो मोटापे को बिल्कुल भी ना आने दें। रोज़ाना एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, अपना वज़न कंट्रोल में रखें, वज़न अपनी हाइट के अकॉर्डिंग रखें, यानी कि BMI, आप लोग जानते होंगे BMI के बारे में, बॉडी मास इंडेक्स। और जो लोग नहीं जानते हैं BMI के बारे में, वो गूगल पर जाकर के BMI चार्ट देख सकते हैं, और उस चार्ट में बताया होता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। तो वहाँ से जा कर के आप अपना BMI देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने वज़न को कंट्रोल में रख सकते हैं। टिप नंबर 3 दोस्तों, अगर किसी महिला की 35 की उम्र तक भी शादी ना हुई हो तो उस महिला को किसी गायनिकोलॉजिस्ट के पास अपने एग फ्रीज करवा लेने चाहिए। इसका मतलब ये है कि उस महिला के जो अंडे हैं उसको किसी गायनिकोलॉजिस्ट के पास फ्रीज़र में रखवा देना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि महिलाओं में 30 की उम्र के बाद अंडों की क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और उस महिला की अगर 35 की उम्र तक भी शादी नहीं हुई है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसके जो है अंडे ख़राब होने लग जाएंगे। तो अगर वो सही समय से अपने अंडे फ्रीज में रखवा देगी तो कल को 38 साल, 40 साल, 42 साल में भी अगर वो माँ बनने के लिए ट्राई करती हैं तो अपने ही अंडों से वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, और ऐसी कंडीशन में उसको किसी और के अंडे नहीं लेने पड़ेंगे और उसको एग डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 4, किसी भी तरह का नशा ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं वर्किंग हैं, जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, तो अक्सर उनके माइंड में स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से वो नशा करना शुरू कर देती हैं और ड्रिंकिंग करती हैं, स्मोकिंग करती हैं। और किसी भी तरीके का महिलाओं को नशा नहीं करना चाहिए अगर वो चाहती हैं ज़्यादा उम्र में माँ बनना। दोस्तों, होता क्या है कि जब महिलाएं नशा करती हैं तो एक उम्र से पहले ही उनका मीनोपॉज शुरू हो जाता है। मीनोपॉज का मतलब ये है कि जब महिलाओं के पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, उस कंडीशन को मीनोपॉज कहा जाता है। और जब मीनोपॉज हो जाता है तो महिलाओं में ओवुलेशन भी बंद हो जाता है, और जब ओवुलेशन बंद हो जाएगा तो वो महिला किसी भी कंडीशन में माँ नहीं बन सकती हैं। वैसे तो मीनोपॉज 50 की उम्र के बाद होता है, लेकिन आजकल जो देखा गया है, जो महिलाएं नशा करती हैं उनमें, कई महिलाओं में ऐसा भी देखा गया 40, 42, 45 की उम्र तक भी महिलाओं को जो है मीनोपॉज शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आपको नशा नहीं करना है। टिप नंबर 5, अपने ओवुलेशन डेज को पहचानें। ओवुलेशन डेज वो दिन होते हैं जब किसी महिला के प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। एवरेज के तौर पे देखा जाए तो पीरियड्स के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन के बीच में ओवुलेशन डेज होते हैं, लेकिन ओवुलेशन डेज का सही पता लगाने के लिए आप चाहें तो मार्केट से किट भी ले सकते हैं। और ओवुलेशन डेज का पता लगाने के लिए मार्केट में किट आती हैं किसी भी केमिस्ट की शॉप से, या आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवा करके अपना ओवुलेशन डेज पता लगा सकते हैं। ओवुलेशन डेज को पता लगाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ओवुलेशन के दिनों में आपको
कोशिश करनी है कंसीव करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन रखना है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।